हेलो, मैं अर्चना मैम बोल रही हूँ। ये सेंटेंस लड़कियों के मन में इस तरह बैठ चुका है कि जब भी इस सेंटेंस को सुनती है तो उनका दिल थर्रा जाता है और साथ में ही उनके मन में एक अलग सा डर पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या छिपा है इस सेंटेंस में जो लड़कियाँ जब भी सेंटेंस को सुनती है तो उनके हाथ पैर कांप जाते हैं, और कौन छिपा है इस आवाज़ के पीछे? दरअसल इस सेंटेंस के पीछे एक आदमी छिपा हुआ है। वो लड़कियों से बात करता, उनको अपने जाल में फंसाता और फिर उनके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम देता। वो अपनी आवाज़ को लेडीज़ की आवाज़ में बदल कर उनसे कहता कि मैं तुम्हारी मैम बोल रही हूँ, फिर उनके साथ दरिंदगी करता। इस आदमी ने इस तरह 7 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और उनके साथ रेप किया। लेकिन कैसे इसने इस खौफनाक साजिश को कामयाब किया? क्यों कोई भी लड़की इसकी चाल को नहीं पहचान पाई और कैसे इसने अपनी आवाज़ को लेडीज़ की आवाज़ में बदला? आइए इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर इस घिनौनी वारदात के पीछे एक 30 साल का भैरू पेशे हुआ था। ब्रजेश कुशवाहा नाम का आदमी पहले मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाता, फिर उनके साथ रेप करता। ये उन लड़कियों को चुनता जिन्होंने SC ST एक्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन किया हुआ था। उनसे कहता कि मैं तुम्हारी मैम बोल रही हूँ। दरअसल ये जो लेडीज़ की आवाज़ में बात करता था वो एक ऐप के जरिए करता। इसने एक ऐप डाउनलोड किया हुआ था जहाँ पर इसकी आवाज़ टीचर की आवाज़ यानी लेडीज़ की आवाज़ में बदल जाती थी। फिर उनसे बात करता कि मैं तुम्हारी मैम बोल रही हूँ, जो तुमने एप्लीकेशन दर्ज की है SC ST एक्ट सर्टिफिकेट के लिए उसमें कुछ मिसिंग है, इसे ठीक करवाने के लिए इस जगह पर आ जाओ। मासूम लड़कियाँ उसके जाल में फंस जाती थी, वे सोचती थी कि टीचर ही बात कर रही है। वे उस जगह पर चली जाती थी जहाँ पर यह आदमी बुलाता था। वहाँ पर ये आदमी उन लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था, जोर जबरदस्ती करता था और उनका फ़ोन छीनकर उनके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम देता था। अप्रैल से लेकर मई तक ब्रजेश कुशवाहा ने 7 ऐसी लड़कियों के साथ दर्दगी की है। वारदात के बाद वो लड़की से कहता कि किसी को बताना मत, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक लड़की ने हिम्मत जुटाई और इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। उसने पुलिस थाने में जाकर ब्रजेश की पूरी खोल दी। उसने वहाँ जाकर कहा कि उसके पास फ़ोन आया था कि इस आदमी का, इसने कहा कि मैं अर्चना मैम बोल रही हूँ, लेकिन इस आवाज़ के पीछे ब्रजेश छिपा हुआ था। फ़ोन करके लड़की से कहा कि मैं अर्चना मैम बोल रही हूँ, जो तुमने SC ST एक्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, इसको ठीक करवाने के लिए इस जगह पर आ जाओ। वो लड़की उस जगह पर जाती है लेकिन वहाँ पर उसकी मैम नहीं होती। वो थोड़ा चौंक जाती है कि उसकी मैम क्यों नहीं है। फिर ब्रजेश का फ़ोन आता है उस लड़की के पास कि तुम्हारे पास एक लड़का खड़ा होगा, वो मेरा बेटा है, उसकी बाइक पर बैठकर मेरे घर आ जाओ, वहाँ पर तुम्हारे डॉक्यूमेंट जो मिसिंग है उसे उन्हें लेकर आ जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लड़की उस पर विश्वास कर लेती कि हाँ मैम ही तो है। वो लड़की उसके साथ बाइक पर बैठकर चल देती है। फिर उसके बाद ब्रजेश जो करता है वो बहुत ही चौंकाने वाला था। ब्रजेश उसको एक सुनसान जगह पर ले जाता है, वहाँ पर बाइक रोकता है और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, उसका फ़ोन छीनता है, उनके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। 7 ऐसी लड़कियों के साथ ब्रजेश जो है वारदात को अंजाम दे चुका था, लेकिन इस लड़की ने हिम्मत उठाई और ब्रजेश का काला चिट्ठा खोल दिया। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।